हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी तीज, आप सभी को तीज मुबारक हो। और फ्रेंड, ये देखिए, मेरा गुड़हल का बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्लांट है और इस पे ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होती है और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और ये देखिए, इस पे मिली बग्स लग चुकी है और काफ़ी से ख़राब कर दिया है। मिली बग्स इस मौसम में नहीं लगती है, लेकिन इस बरसात में क्यों लगी मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास इसका बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट है जो मैं इसको आज दूंगी। और जो मेरे गार्डन में प्लांट्स को नुकसान दे उसका यहाँ क्या काम। तो कुछ मैंने अभी हरी मिर्च ली हैं और नीम की पत्तियाँ ली हैं और लहसुन की दो तीन कलियां हैं जिनको मैंने मिक्सी में घुमाया, उनका पेस्ट बनाया और पानी में मिक्स करके मैंने सभी पर स्प्रे कर दिया है। और उसके बाद बारिश हो गई थी तो मुझे दोबारा करना होगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी तो वो जो असर था वो ख़त्म हो गया होगा। हो सकता है मिली बग्स भी ये सोच रही हो कि हमें यहाँ से जाना ही नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। और ये देखिए, गुड़हल है, मैंने कटिंग से तैयार किया तो बिल्कुल ये बढ़िया हो चुका है, क्योंकि इस पर कोई मिली बग्स नहीं है, नहीं तो उस पौधे से इस पर भी आ गई थी। अब ये एकदम बढ़िया है, मस्त है। और मैं वही वापस आपको गुड़हल का प्लांट्स दिखाती हूँ जिस पर मिली बग्स लगी हुई थी, और देखिए आज फ्लावरिंग भी हो गई। आज तीज है तो देखिए इस पे कितनी सुंदर फ्लावरिंग हुई है ना सुंदर फूल। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि फूल कैसा लगा आपको भी। ऐसी बात नहीं है कि इस पे एक ही फूल आया है, बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं। देखिए, लगता है जो फर्टिलाइज़र मैंने हरी मिर्च का बनाया था वो मिली बग्स पर तो असर किया ही, लेकिन उसने अपनी दवाई का भी असर दिखाया है। इस गुड़हल पर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। मेरे पास तीन चार गुड़हल के कलर हैं जो कि सिंपल भी है, जो कि देसी होता है, जिस पर चार पांच पंखुड़ियाँ ही आती हैं। और आपने देखा होगा रेड कलर का गुथा हुआ बिल्कुल गुलाब की तरह जो गुड़हल होता है वो भी मेरे पास है। और ये गुड़हल तो है ही, और एक इसका पिंक कलर है वो भी बहुत सुंदर लगता है जब खिलता है। और वैसे भी आपने देखा होगा इस मौसम में फ्लावरिंग बहुत कम होती है, अब जो आगे आगे सीजन आएगा उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और गार्डन तो हमारा खैर बहुत सुंदर लगता ही है। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी तीज।